प्रदेश के कानपुर में हौसले और मेहनत से एक और कामयाबी की कहानी लिखी गई है। कानपुर के रहने वाले अवधेश कुमार कौशल ने आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 की परीक्षा उत्तीर्ण कर नया कीर्तिमान रचा है। खबरों के मुताबिक अवधेश का चयन जिला दिव्यांग कल्याण के अधिकारी के पद पर हुआ है। अवधेश कुमार कौशल मुख्य रूप से फर्रुखाबाद के गुरसहायगंज के निवासी हैं। वे केंद्रीय अरमापुर नंबर 2 में जूलॉजी के शिक्षक पद पर तैनात हैं। 2016 में इनोवेशन को बढ़ावा देने के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोस बीमारी की वजह से 2015 में उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी, लेकिन इस हादसे से हार मानने की जगह उन्होंने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ा। अवधेश बताते हैं कि मेरा शुरुआत से ही सिविल सेवा में जाने का मन था। जब जीवन में अंधकार हुआ तो मेरी पत्नी नीरजा ने मेरी आंखों की रोशनी बनकर मेरा साथ दिया। उन्होंने बताया कि पत्नी से मिली हिम्मत के चलते उन्होंने दिल्ली के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाकर ट्रेनिंग ली और वापस आकर अपने सपने को पूरा करने में जुट गए। वहां से वापस आकर उन्होंने एपेक्स एकेडमी में दाखिला लिया और परीक्षा दी। अवधेश अपनी सफलता का ज्यादातर श्रेय अपनी पत्नी नीरजा और कोचिंग के निदेशक देवी शंकर तिवारी को देते हैं। उन्होंने बताया कि कोचिंग में पढ़ाई जाने वाली हर चीज को नीरजा लिखती और घर जाकर लैपटॉप की मदद से उन्हें पढ़ाती। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट द दस्तक 24। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।